मैंने कुछ सनातन धर्म के ऊपर बोला था, तो किसी ने पूछा कि ये सनातन धर्म जो आप बोल रहे हो, ये कैसे कर पाओगे, पूरे विश्व के अंदर कैसे फैलेगा, ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर एक तिहाई हिस्से के अंदर ईसाई लोग रहते हैं, फिर आबादी है मुस्लिमों की 24% के आसपास, फिर आबादी है हिंदुओं की 15% के आसपास, कुछ आबादी है जो किसी धर्म के नहीं मानते 15-16% के आसपास, और भी 2-2-4% में कुछ परसेंटेज बहुत धर्म। लेकिन हो कैसे, ये सवाल ये कि कैसे ये प्रभाव हो? हमारा जो सनातन धर्म है आदि से चला रहा, जब हम नहीं थे, जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी था, वो अंदर का विषय है, लेकिन उसको बाहर निकाल के लाया कैसे जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे उन देशों के ऊपर प्रभाव किया जाए। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने प्रयास किया 4 वेदों तक सीमित कर दिया जाए सब कुछ। फिर कुछ और ऋषि मुनि हुए, उपनिषद आ गए, फिर और ऋषि मुनि हुए, पुराण आ गए, फिर और ऋषि मुनि हुए, भागवत और गीताएं आ गई, फिर और हुए रामचरित्र मानस वगैरह की पुस्तकें आ गई। जितने ऋषि मुनि होते गए, ग्रंथों का भार बढ़ता गया, भार बढ़ता गया, वेदों को नीचे दबा दिया गया। किसी भी धर्म ग्रंथ को आप खोज करके देखिए, सब धर्म ग्रंथों की एक ही पुस्तक है, उसी को मानते हैं। चाहे सिख धर्म को देख लीजिए, ईसाई धर्म को देख लीजिए, मुस्लिम धर्म को देख लीजिए, किसी भी धर्म को नजर मार करके देखिए, उन्होंने पूरा प्लान करके काम किया है जो हमारे ऋषि मुनि नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए, जो हमारे पूर्वज फंसते चले गए एक एक चीज के अंदर, चुनौतियों का सामना करते हुए लड़ते हुए। उन्होंने खोज बहुत अच्छी की, हमारे वेदों के अंदर कोई कमी नहीं है, ना हो सकती, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा, ऐसे होगा भी नहीं। चाहे हिंदू तो पूरा जोर लगा ले, चाहे सब हिंदू एक हो जाएं, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा काम। फिर कैसे होगा कि पूरी जितनी भी पुस्तकें हैं, हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, भागवत हैं, इन सब में से तैयार किया जाए ज्ञान के आधार के ऊपर, और निश्चित कर दिया जाए कि हमारे धर्म की ये पुस्तक है, ये मान्य है, ये सर्वश्रेष्ठ है। और जब ये मान्य हो जाएगी, ये पूर्ण पुस्तक है, इसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाए, इसी को हिंदू धर्म का ग्रंथ समझा जाए, जब ये मोहर लग जाएगी, एक काम हो गया, फिर दूसरा शुरू होगा लोगों का। जब एक पुस्तक होगी, एक ही तरह की पूजा पद्धति शुरू हो जाएगी। ये जो आप अलग अलग प्रकार की, सैकड़ों नहीं कहूंगा मैं, हजारों लाखों प्रकार की पूजाएं हो रही हैं, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, जिसको 10-20 आदमी मिले वो वही पूजाएं करने लगा, और वही उसी प्रकार से वो राग शुरू हो गया। 10 अपने, 100 उसके, 1000 उसके, लाख उसके,
नुकसान किसको हुआ ये? जो अपनी जिन्होंने अपनी अलग रिवाज चलाई, सत साहिब कहने लगे, नुकसान किसको हुआ? हमारे सनातन को। राधा स्वामी बोलने लगे, किसको नुकसान हुआ? हमारे सनातन को। धन धन सतगुरु कहने लगे, किसको नुकसान हुआ? हमारे सनातन को। ओम शांति कहने लगे, किसको नुकसान हुआ? हमारे सनातन को। जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं गुरु बन के, जिन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है, इनको तोड़ा जाए और इनको भी उठा करके वहीं रख दिया जाए कि ये पुस्तक है हिंदू धर्म में, अगर इससे बाहर कुछ भी बोला तो ठीक नहीं रहेगा। जो मन माफिक बोलते हैं, मन माफिक कथाएं बोलते हैं, मन माफिक चल रहा है, मर्जी के अनुसार सब कुछ खेल चला रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा। इनको समझा दिया जाए, राजी राजी, नहीं तो गैर राजी, या तो प्यार से नहीं तो तकरार से, तकरार से नहीं हो तो फटकार से, कैसे भी करके इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। कि आप ये देखो, हमारे ही धर्म ग्रंथों को ये उठाते हैं, हमारे ही धर्म ग्रंथों को ये बोलते हैं, हमारे ही धर्म ग्रंथों के ये उदाहरण देते हैं, हमारा ही सब कुछ होता है और फिर इनका पंथ अलग हो जाता है। और जब हिंदुत्व की बात आती है, ये बोलते हैं हमारा तो अलग पंथ है, हम तो इससे अलग हैं, हम तो शांति चाहते हैं। क्यों भाई, क्यों चाहते हो शांति? अगर आप शांति चाहते हो तो जाओ कहीं पहाड़ों के ऊपर, समाज में तो क्रांति होगी, शांति तो नहीं होगी। तो इनको सबको जो अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं, इनको देखना होगा, इनको सबको उठा करके या तो इस पुस्तक को मानोगे या हमारे हिंदू तव के एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, ना किसी धर्म ग्रंथ का, ना किसी बात का, ना कोई उदाहरण, ना कोई जिक्र। अगर आपने अपना कुछ अलग करना है तो आप अपना अलग स्थापित कीजिए, अलग पुस्तक बनाइए, अलग धर्म शुरू से ही कर दीजिए, अलग नियम बनाइए। हमारे बारे में एक भी शब्द अगर बोल दिया, हमारी पुस्तकों से एक भी शब्द अगर उठाया, अच्छा नहीं होगा। जिसको ईसाई बोलते हैं, क्या आपको पता है वो यहाँ पहलगांव के अंदर हमारे योगियों से शिक्षा ग्रहण करके गया था, योग सीख करके गया था, कुछ योग सीखे, बस उनको चमत्कार मान लिया। और रही बात मोहम्मद साहब की, कुरान मेरे पास रखी है, जब एक एक शब्द में खोल करके बोलूँगा आपके सामने, आप देख लेना क्या है उसमें क्या नहीं है। कुछ लोगों ने तो देख भी लिया होगा कि क्या उसमें छुपाया गया है। जब सबके सामने सच रखा जाएगा, अपना पक्ष रखा जाएगा, तुलना की जाएगी, लाखों लोग भाग लेंगे हमारे तरफ। अभी वो सेफ महसूस नहीं करते हमारे धर्म में, क्योंकि हमारा धर्म बटा हुआ जातियों के आधार पर। इनको तोड़ा जाए, मानव मानव देखा जाए, शिक्षा के आधार पर सब कुछ बंटवारा हो, जातियों के आधार पर नहीं। जब ये इस प्रकार का खेल शुरू होगा तो समझो हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। और जब एक ग्रंथ होगा और जो जगत गुरु होगा वो एक ही होगा, जो उस ग्रंथ को संभालेगा, धर्म को संभालेगा, और उसके नीचे चार नियुक्त कर दिए जाएंगे, चारों के नीचे 16 नियुक्त होंगे। इस प्रकार से टीम जोड़ी जाएगी और एक एक लोग को अपने साथ जोड़ लिया जाएगा। और अपना एक भी व्यक्ति अगर कहीं से भी ला, पूरी चैन में तालमेल हो जाएगा, खलबली हो जाएगी।
इस प्रकार से हिंदू धर्म के ऊपर जब हम काम करेंगे, इस प्रकार से जब हम मेहनत करेंगे, आप सोचते हो कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, कोई भी शब्द वैसे ही नहीं बोलता। सोच लेना, लिख लेना जो मैंने बोला है, अब तो रिकॉर्ड हो रहा है, सुनते रहना, ये इतिहास में होने वाला है। आप भी नहीं बदल सकते इसको, इसको संसार में इस शब्द को कोई नहीं बदल सकता। ये होगा और जरूर होगा। ये मत सोचना कि बस कोरी कल्पनाएं की जा रही, ये जो आगे आने वाला समय है ये निश्चित किया जा रहा है। क्योंकि हमारे जाना पीछे वीडियो पड़ी होंगी, उठा उठा करके देखना रिकॉर्डिंग। हमने जो बोला था युद्ध से लेकर के धर्म तक, मंदिर से लेकर के मस्जिदों तक, उठाना इतिहास और देखना हमने जो जो बोला था क्या हुआ। क्योंकि मेरा जो गुरु है वो संदेश देता है ऊपर से, ये समय आ गया, अभी ये करना है। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं हूँ इस धरती का जगत गुरु, मैं इस धरती को संभालने वाला हूँ, मेरे बिना कोई कुछ चल ही नहीं सकता, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। भूल जाना आप लोग, जब तुलना होगी, खोज होगी, समय आएगा, क्योंकि समय तो आता ही है, जब समय आएगा पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, परमात्मा को किसने क्या सौंप रखा है, उसके पास क्या क्या खान भरी पड़ी है, किसका परमात्मा के ऊपर, किसके ऊपर कृपा है। कुछ लोग इस धर्म के ऊपर खेल कर रहे हैं, उनको रोकना होगा। ऐसे हा उड़दंग मचाने से हमारा ये नहीं कि हमारा धर्म बढ़ जाएगा या पूरी पृथ्वी के ऊपर हमारा धर्म आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल असंभव है। आप 10-20 हजार लोगों को मिला लेंगे, क्या होगा उससे, असंभव है। हमें नियम के साथ काम करना होगा। जब हम नियम के साथ काम करेंगे, आप देखो सिख धर्म है कहाँ से निकला, गुरु नानक देव जी कौन थे, हमारे बहुत नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हमारे इतने नज़दीक के व्यक्ति, ऐसे महापुरुष। जब वो उनका सिस्टम संभलेगा, लोग समझ पाएंगे कि ये वही है, हिंदुत्व से ही निकला हुआ एक अंश है, कहाँ जाएंगे वो अपने में समा जाएंगे। जब उनको ये एहसास होगा कि मैं तो वही हूँ, जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये कहाँ से ईसाई शुरू हुए, कहाँ से योग सीखा, जब हम ले करके जाएंगे इन चीज़ों को उठा करके और इनके ऊपर हम काम करेंगे, तो जब समझ में जिसके भी आएगी टूटता चला जाएगा। और रही मोहम्मद साहब की बात, उनकी चढ़ाई का सबको पता है, 7 आसमान की, 7 प्रमाण की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ऊपर तो बहुत जगह है मेरे भाई। तो जब उनको पता चलेगा जिस प्रकार से यहाँ हमारे यहाँ मंदिरों में से कैसे शिवलिंग निकल रहे हैं, कैसे किस प्रकार से उनके दबे हुए राज बाहर आ रहे हैं, जिस दिन मक्का को खोला गया आपके सामने सब कुछ होगा। कोई रोक नहीं सकता इन चीजों को, क्योंकि कुछ नियम थे, कुछ चीजें अटकी हुई थी, वो खुल चुकी हैं, उनका प्रभाव हो चुका है। तो जब उनका प्रभाव हो चुका है, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ मैं खोल दूंगा, शिव बंधे हुए हैं, मैं खोल सकता हूँ, मैं योगी हूँ। नानक जी ने भी बड़ा प्रयास किया था, नहीं हो पाया ना। जिसके ऊपर उसकी मेहर होती है, कल को ये मत बोलना कि मैंने कर दिया ये काम, मैं कर सकता था, मैंने किया है, वहाँ जा करके जल चढ़ा दूंगा, शिव आज़ाद हो जाएंगे, भूल जाना इस बात को, वो तो खेल ही अलग है, वो जल से नहीं होगा, वो तरीका ही अलग है। और वो हो चुका है, और जब वो हो चुका है
फिर वहां क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से हम ये मत समझना कि मैं ये बस बोल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं ये काम, और इनके ऊपर मेरा काम चल रहा है, और जो ये मैं बोल रहा हूं ये बहुत पहले काम कर चुका हूं ये। तो जब ये काम हो चुके हैं तो उनका रिजल्ट भी तो शुरू होगा, आप देखना इन रिजल्ट को। इस प्रकार से हम अपने सनातन धर्म को जीवन शैली बना करके एक एक जीव के अंदर में उतार देंगे जीने की कला को। हमारा एक एक भाई लाखों के बराबर होगा और हजारों लाखों को जोड़ देगा। कौन बचेगा फिर हमारे धर्म से? कौन भागेगा फिर हमारे धर्म से? कैसे? जैन ग्रंथों को उठा करके देखो, क्या थे वो? ऋषभ देव जी। उठा उठा करके देखिए, वो हमारे ही तो थे, हमसे ही तो उन्होंने सीखा है, हमारे साथ ही तो वो चले थे, लेकिन थोड़ा अलग हुए, धर्म बन गया। इन सब को अपने भाइयों को इकट्ठा करके जब हम काम करेंगे, कौन रोकेगा? ये तो होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन रोक कोई नहीं सकता। इस धरा के ऊपर तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन की शैली है, ये जीवन की पद्धति है, ये जीवन की कला है जो मेरे गुरु ने इस धरा के ऊपर ले करके आए थे, जो सिखाया था। तो ये हमारी कोशिश, कुछ ही शब्दों में मैंने बताया, थोड़ा शॉर्ट करके। जब आप नज़दीक आओगे, प्रयास करोगे काम करने का जो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर, तो सब आपके समझ में आ जाएगा। अभी हर राज में खोल नहीं सकता, समय समय के ऊपर इस प्रकार के राज मैं आपके बीच खोलता रहूँगा। जैसे जिसकी जितना जिज्ञासु होगा उसके सामने उतने ही पन्ने खोल दिए जाएंगे।